सच्चा प्यार कब कहना चाहिए, किसको बोलते हैं सच्चा प्यार, इसके बारे में बातचीत करते हैं आज। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी मेरे पास में आई, उसका पक्का विश्वास था और है भी कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर पूरा प्यार करता नहीं है और वो 100% प्यार करती है, पूरा 100% देती है, मगर हस्बैंड नहीं करता। एक ये एग्जांपल। दूसरा, एक लड़का आया, बोल रहा कि अभी उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर वो बहुत प्यार कर रहा था, 100% प्यार था, बहुत साथ में रहे, उसका सेक्सुअल संबंध उसके साथ में आया, मगर वो लड़की ने आगे कुछ बात बढ़ाई नहीं, उसने शादी कर लिया। एकदम अचानक उसको आके बोला मेरी शादी पक्की हो गई, शादी करके वो निकल गई, अभी इसका शादी करने का टाइम आ गया, मगर वो बार बार लड़की उसके दिमाग में आती रहती है और वो सोचते रहता है कि शायद उसके साथ में ये शादी करता तो, क्योंकि उसका तो 100% प्यार उसके ऊपर था और उसने एंड टाइम पे नहीं बोल दिया। तो ऐसे काफी सारे लोग आते रहते हैं, उनको लगता है कि भाई 100% प्यार मेरा है मगर सामने वाले का नहीं है। मुझे देखना है कि ये पहचानना कैसे, 100% प्यार क्या है। लोग मूवी देखते हैं और मूवी में बस एक दूसरे के लिए या फिर अभी इतना प्यार बताते हैं कि एक्चुअली वो फैक्चुअल नहीं रहता, फैक्ट है क्या, और फैक्ट किसको बोलेंगे कि भाई सच्चा प्यार है। क्या होता है कि प्यार में पड़ते हैं तो मेनली शुरू में तो वो एक फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, शारीरिक अट्रैक्शन, और फिर एक दूसरे के लिए बहुत उस एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के लिए रुकना, खाने के लिए रुकना, लव यू बोलना, साथ में रहना, इतनी उसकी आदत हो जाती है। और जब वो साथ में रहना, घूमना फिरना, उठना बैठना शुरू हो जाता है तो ब्रेन में डोपामिन सेरोटोनिन सिक्रेशन होता है और उसमें फिर बहुत एक्साइटमेंट आते रहता है जब साथ में रहते हैं तो, और फिर लोग उसको प्यार कहते हैं। एक्चुअली वो केमिकल लोचा है, एक्चुअली प्यार है कि नहीं मालूम नहीं, मगर वो जो पिक्चर में देखा है उनको लगता है कि ये लाइफ में ऐसा होना चाहिए, जैसा पिक्चर में बताते वैसा होना चाहिए। लेडी को लगता है या आदमी को लगता है कि उसने मेरे मन की बात पहचानना चाहिए, मेरी बहुत केयर लेना चाहिए, मेरे ऊपर प्यार है ऐसा उसने बार बार बोलना चाहिए, आई लव यू बोलना चाहिए। हर एक को क्या लगता है कि मेरा उसके ऊपर प्यार है मगर उसका मेरे ऊपर नहीं है, ऐसे ही लगते रहता है। फिर वो सामने वाला दूसरा पार्टनर बोलता है क्या मैं मेरा दिल खोल के बताऊं कि मेरा प्यार है कि नहीं है, कैसा बताऊं, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता और पार्टनर की ऐसी अपेक्षा रहती है कि उसने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए, कोई रोमांटिक बातें करना चाहिए, रोमांस करना चाहिए, मगर उसको नहीं आता है तो वो क्या करेगा। पार्टनर होता है कि मुझे सुनना चाहिए, लिसनिंग। क्या होता है कि लोग काफी बहुत कम सुनते हैं एक दूसरे का, लिसन नहीं करते, सुनते नहीं है, मुझे समझ के नहीं लेते, ऐसा लोगों को लगता है। मेरा पार्टनर को समझ के नहीं लेता, मेरी तारीफ नहीं करता, मतलब मुझे एक्नॉलेज नहीं करता, मुझे उसने कभी मेरे हस्बैंड ने बोला ही नहीं कि तू बहुत सुंदर दिखती है या ये ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगती है वो, ऐसा कभी उसने बोला ही नहीं, या वाइफ ने मुझे कभी बोला नहीं ऐसा कि भाई तुम अच्छे दिखते हो। मतलब ऐसे लोगों के अलग अलग अपेक्षाएं रहती है और उनको लगता है कि फिर अपना प्यार कोई सच्चा प्यार नहीं है, और फिर उनको वो पिक्चर का रहता है कि वो सिनेमा में वो स्टोरी में जो प्यार है वो सच्चा प्यार है, वो मेरी जिंदगी में नहीं है, और फिर उसमें फिर वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इसमें भी ऐसा प्यार है कि भाई बहुत प्यार है बहुत प्यार है, वो जो टूट जाता है कोई कारण से तो फिर एसिड हल्ला, एसिड फेंकना चेहरे के ऊपर या खुदकुशी करना, ऐसा भी होते रहता है। तो ये हमने देखना है कि एक्चुअली प्यार है क्या, एक्चुअली प्यार होता है क्या 100%, और हम अपेक्षा में कितना डूबे रहते हैं और अपेक्षा से फिर हम कितने डिस्टर्ब होते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं। तो ये सब बातें हम जान ले तो फिर मानसिक प्रॉब्लम जो है, मानसिक समस्या जो है वो आएंगी नहीं, और फिर आप खुशी से जीवन जी सकेंगे। आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, नो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यह होता है कि अपेक्षा जो है वो अपसेट की जननी है, ऐसा बोला जाता है, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स। तो बिना एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनल लव यदि आपका है, वो दूसरा जैसा है वैसा है, जिस तरह से उस तरह से ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएंगे नहीं। कभी भी आपके संबंध में, पति पत्नी का संबंध हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध हो, कभी भी दूसरे पार्टनर को ये मत पूछो कि भाई आपका पहले कोई दोस्त था क्या या कोई फ्रेंड थी क्या, ऐसा कभी भी मत पूछो। और समझो पूछा भी तो आप बोलो मत कि भाई क्या था पहले, क्योंकि क्या है कि वो ज़्यादा अपसेट कॉज करते रहता है, बार बार फिर वो पीछे वाला सामने लाया जाता है और फिर उसमें ज़्यादा अपसेट कॉज होता है। तो वो पीछे का कुछ मत लाओ, जो आज है वो आज है, पीछे का लाने का नहीं है, ये क्षण में जीने का है और मजा करने का लाइफ में। यदि रहा तो हस्बैंड वाइफ का जो मतलब जो उनका लाइफ है, एक मैरिड लाइफ है, वो अच्छा रहेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितने दिन साथ में उतने अच्छे रहेंगे, शादी किया तो और अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उनको शेयर करो। मेरा प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है, ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में कोई सवाल जवाब होगा, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, यहाँ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे आपके लिए उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।